जी जनाब, सुबह को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना या थोड़ा सा एक अपने टाइम जोन में जाना बड़ा अच्छा रहता है। मैं कुछ क्लेम तो नहीं करती कि मैं बड़ा योगा करती हूँ या मुझे बहुत कुछ आता है, मगर कुछ सुबह को मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ जिससे मेरी बॉडी ज़रा ईजी हो जाती है और मैं थोड़ा सा एक्टिव फील करती हूँ। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लोग तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। बाकी ये कि इस वक्त का वक्त ऐसा होता है कि इस वक्त दिल जाता है कि एक सुकून से आप गर्दन की एक्सरसाइज है, नेक को और कंधों को इतना अच्छा लगता है। आप जब ये कर लेते हैं तो आप इतने इजी हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और मैं तो ये भी करती हूँ ये, और ये आपको योगा की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर भी, और बहुत से लोग बड़ा कुछ करते हैं, पर जो चीज़ें मुझे आसान लगती हैं या कम अज़ कम मेरी अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जितना मैं लोड ले सकती हूँ उतना मैं ले लेती हूँ। ये नहीं कि मैं जान छलांग मार के पंखे से लटकता हूँ, इतनी भी हड्डियाँ होशियार नहीं हैं, लेकिन मेरी बैकबोन भी शुरू से मसला था, हमेशा से था, और वो मेरी पहली बेटी की पैदाइश से था। उसके साथ ही मैं चलती रही, और सब कहते भी रहे एक्सरसाइज करो, तो मैंने कभी खास की नहीं, क्योंकि मैं मोटी नहीं होती थी तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये बात नहीं कि सिर्फ मोटे ही होने पर आप एक्सरसाइज करें, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर हालत में चाहे आप मोटे हों, दुबले हों, कैसे भी हों, बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी बॉडी से बहुत काम लेते हैं, हम से मुरादी के हाउस वाइफ भी, बाहर काम करने वाले लोग भी, ख़ासतौर पर खवातीन, बच्चों के बाद भी, फिर बच्चों के बाद घर की ड्यूटियाँ, फिर खाने पकाने, सब कुछ बाहर। लेकिन हम अपनी बॉडी को वापस कुछ नहीं करते। मैं किसी को क्या कहूँ, मैंने ये किया, बहुत अफसोस है। मेरा दिल ये चाहता है कि स्कूलों में ये सिस्टम होना चाहिए कम से कम, कि सबसे पहले बच्चों को दौड़ लगवाएं और फिर क्लास में लेके जाएं। अब ये भी सवाल है कि जी गर्मियों में बच्चे भागेंगे तो ज़्यादा स्वेट करेंगे, तो कोई सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, या तो उनको छुट्टी टाइम पर भगाएं ताकि वो अपने घर जा कर नहा लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो सिस्टम नहीं कि हम शावर लगवाएं स्कूलों में बच्चों के दो दो कपड़े, बाहर के मुल्कों में तो है कि बर्फ़ में बच्चे बहुत मोटे कपड़े पहन के जाते हैं, फिर वो जाके टांगते हैं, फिर नॉर्मल कपड़े पहनते हैं हीटिंग में, फिर वापस निकलते हैं। हमारे पास तो माशाल्लाह एक कपड़ा ही हो तो बहुत है, तो ये कहाँ से लाएंगे। मगर खैर, अगर आप छुट्टी टाइम पे एक घंटा स्पोर्ट्स का रखें और बच्चों को अच्छी तरह भगाएं, बजाय इसके इतने बड़े बड़े बस्ते उनके ऊपर आपने लादे हुए हैं करोड़ मन के, और उसमें जो लिखा हुआ है वो ज़िंदगी में इतना काम नहीं आता, सॉरी टू से, सिवाय कुछ चीज़ों के। तो अगर आप ये सब चीज़ें कम अज़ कम हमारी अगली नस्ल को हम फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो हर महाज पर लड़ सके, तो मैं एक छोटी सी सजेशन है जो कि मैं मुफ्त मशवरा दे दिया करती हूँ। बहरहाल एक्सरसाइज की मैं आपको चीज़ें इसलिए नहीं ज़्यादा दिखा सकती कि भाई फिर कोई पोज कैसा बनता है, कोई पोज कैसा बनता है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, और आपको पता ही है कि आपने क्या क्या करना है। लेकिन कम अज़ कम कंधों की ये चीज़ें तो मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसे मैं करती हूँ 25-25 दफ़ा। और एक चीज़ मुझे और भी किसी ने कही थी कि आप ऐसे ऐसे करते हैं जब जोर होते तो आपके जो ये ग्लैंड्स हैं इसमें अल्लाह ना करे कैंसर के अगर कोई खुदा ना खासा खदशा हो तो वो आपकी कोई ऐसी सिस्ट नहीं बनती। फिर कुछ चीज़ें और भी ऐसी हैं आप करते हैं, जैसे डबल चिन के लिए मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था कि ऊपर के और ये करना, इतना ख़ास मैंने कोई कमाल नहीं वैसे किया, लेकिन अगर कोई कर सके करना चाहे तो कर लिया। अच्छा, रात को मैं एक अवार्ड में गई थी, होता है ना क्या ड्रामा है उसमें, और वहाँ पे अच्छी बात है कि हमारे आर्टिस्टों को पजीराई मिल रही थी, तो मैंने भी वहाँ डायरेक्ट मुझे बुलाया गया था। तो कल रात को तेरे बिन जो है वो बेस्ट प्ले हुआ करार दिया गया, और उसका अवार्ड देखे तो मुझे दिया उन्होंने, क्योंकि मैं थी वहाँ उस वक्त, लोग मौजूद नहीं थे। हाँ, हमारी सबीना थी लेकिन वो बहुत सारे अवार्ड बटोर रही थी, काबली बुलाओगे, तो ये अवार्ड फिर मुझे मिला, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो एक सक्सेस को एक्नॉलेजमेंट मिली। ये व्यूअर्स चॉइस है, ये लोगों की पसंद का अवार्ड है। सो भारत में प्रोडक्शन हाउस को भिजवा दूँगी क्योंकि वहाँ कोई उनका नुमाइंदा नहीं था। एक बार दूसरी बात ये भी थी कि सब लोग कहते हैं लॉन्ग वीडियो बनाएं, आप भी छोटी वीडियो देते। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ अंदर की बात, इससे पता ना चले अभी मुझे ये आता नहीं है, मैं आहिस्ता 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 सीख रही हूँ। तो समझ लें कि मैं ये जो कुछ कर रही हूँ ना खेल कूद आपके साथ, तो ऐसे डाल देती हूँ, लेकिन मैं अभी इसको प्रॉपरली करने जा रही हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग चल रही है समझे। मैं अभी नर्सरी क्लास में हूँ, आजकल के बच्चों को तो बहुत पता है, वो तो PhD से शुरू कर लेते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ रابطہ जो है वो ज़रा बेहतर अंदाज में हो सके। अभी तो मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से तैयार किया है कि ये मैंने करना है,
2011 से मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरी बेटी मुझे हर वक्त डांटती रहती थी कि माँ कुछ करती नहीं है, कभी गाना गा दिया कभी ये कर लिया। तो धीरे धीरे अब मैंने अपने आप को समझाया है कि चलो भाई ये रिश्ता एक ज़रूरी है, लोग इतने प्यार से आपसे रिश्ता रखना भी चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। सो अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, तो आप ज़रा प्लीज़ बेयर विद मी, और मैं थोड़ी बहुत अगर विदाउट एडिटिंग कुछ डाल देती हूँ तो समझ ले कि धीरे धीरे मैं बड़ी हो जाऊँगी तो सब सीख जाऊँगी। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं डाइनिंग टेबल पे, बताती हूँ।